हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका इंजीनियर्स ग्रुप में स्वागत करता हूँ। तो हम लोग जो कंपोनेंट्स ऑफ पावर प्लांट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया था, इसके बारे में हम लोग फिर जो आगे का है टॉपिक उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो ये तीन चीज़ हम लोगों ने देख लिया था। एक्चुअली मैं ब्रीफ में इसलिए लेके जा रहा हूँ पूरा एज ए डिफिनेशन एक एक चीज़ का, ताकि आप एग्ज़ाम में इसी तरीके से लिखो और आप एक एक अच्छा स्कोर मतलब कर पाओ। ठीक है, तो अपने ड्राफ्ट फैन तक तो देख लिया था, आगे हम लोग देखेंगे बॉयलर, टरबाइन, सुपर हीटर, कंडेंसर, इकोनोमाइजर, फीड वाटर पम्प, अल्टरनेटर, चिमनी है, कूलिंग टावर। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी पढ़ो ऐसा पढ़ो कि लाइफ टाइम के लिए आपके दिमाग में वो चीज़ें याद रहे, आप इसको कभी भूलो नहीं। और इस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन है वो कन्वेंशनल हो या ऑब्जेक्टिव हो तो हम लोग इजिली उसको सॉर्ट आउट कर सके, इजिली उसको लिख सके। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग बॉयलर। बॉयलर के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ चुका है कि बॉयलर एक कंपोनेंट है पावर प्लांट का, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट कंबसन प्रोसेस होता है। ठीक है, और जो आपका वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है। ठीक है, हाई प्रेशर स्टीम में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले कोयले को जलाते हैं। जब कोयले को जलाते हैं तो उसे काफ़ी हाई टेम्परेचर जनरेट होता है। उस हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, जब मेरा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, जो मेरा पानी है वो धीरे 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 स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बॉयलर का वही काम है कि बॉयलर में हम लोग क्या करते हैं, हाई प्रेशर स्टीम जनरेट करते हैं, और जनरेट करने के बाद हम लोग उसको सुपर हीटर पर देते हैं। देन उसके बाद हम लोग उसको टर्बाइन ब्लेड्स पर देते हैं। तो देखते हैं इसका डिफिनेशन। ठीक है, दिया हुआ कि द पल्वराइज कोल इज फेड टू द बॉयलर विथ प्री हीटेड एयर। ठीक है, हम लोग जो पल्वराइज कोल है, हम लोगों ने पढ़ा था किस तरीके से हम लोग उसको डस्ट के रूप में क्रश कर देते हैं। ठीक है, और उसको हॉट एयर के साथ हम लोग क्या करते हैं, बॉयलर के अंदर देते हैं। ठीक है, द बॉयलर इज यूज टू प्रोड्यूस हाई प्रेशर स्टीम। बॉयलर का मेन काम क्या है, ठीक है, कि एक हाई प्रेशर स्टीम को जनरेट करना। सिर्फ स्टीम ही नहीं, हाई प्रेशर स्टीम, क्योंकि जब तक स्टीम के अंदर प्रेशर नहीं होगा जो टरबाइन की ब्लेड से वो मूव ही नहीं करेगी। सिंपल सा अगर हम लोग बात करें, अगर सिंपल एयर फ्लो हो रहा है, अगर सिंपल एयर फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो उसके वजह से आप अपने आसपास देख लेना, मूवमेंट बहुत कम होगा। अगर वहीं आंधी चलने लगे, अगर तेज आंधी चलने लगे, मतलब एयर का प्रेशर अगर इंक्रीज हो जाए, उसकी वजह से देखना कि हर एक चीज़ों में बहुत ज़्यादा हलचल हो जाता है। जो आपके आसपास की जो चीज़ें हैं वो उड़ने लगती हैं, जो आपके पेड़ पौधे हैं वो, ठीक है, वो उसी तरीके से उनमें कंपन चालू हो जाता है। ठीक है, उस तरीके से वो होने लगे, मतलब अगर प्रेशर होगा तभी क्या होगा कि किसी चीज़ में मूवमेंट होगा। ठीक है, तो बॉयलर के हम लोग सिर्फ स्टीम ही नहीं बनाते, हाई प्रेशर स्टीम बनाते हैं। हाई प्रेशर स्टीम इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये क्या करेगा कि हम लोग टर्बाइन के ब्लेड्स पे देते हैं, जब उसके एयर के उस स्टीम के अंदर एक प्रेशर होगा तो उसकी वजह से मेरा क्या होगा, ठीक है, जो टरबाइन की ब्लेड्स है वो मूव करेगी। ठीक है, सेम चीज है, द बॉयलर इन द थर्मल पावर प्लांट इज यूज टू कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी ऑफ कोल इनटू थर्मल एनर्जी और हीट एनर्जी। कल इसके बारे में हम लोग ने देखा था, डिटेल में देखा था, ठीक है, कि पावर का कन्वर्जन कैसे होता है। कोल जलता है, वो कोल जल के हीट एनर्जी होती है, ठीक है, बॉयलर में, फिर हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है आपकी मैकेनिकल एनर्जी में, फिर मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो बॉयलर, द बॉयलर इन द थर्मल प्लांट, प्लांट किसी भी थर्मल पावर प्लांट के अंदर जो बॉयलर है उसका मेन काम क्या है, केमिकल एनर्जी को चेंज करना, किसने, थर्मल एनर्जी में या हीट एनर्जी में। क्लियर, आगे देखें, ड्यूरिंग द कंबसन ऑफ कोल, जब जब हम लोग कोयले को जलाते हैं, यह पूरा एक कंप्लीट कंबसन होता है, ए हाई टेम्परेचर इज प्रोड्यूस। ठीक है, जब कोयला का को हम लोग, तो हमारा कोयला जो ईंधन है उसको हम लोग जलाते हैं, तो उसे क्या होता है कि हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है बॉयलर के अंदर में। ठीक है, इनसाइड द बॉयलर, ठीक है, वो टेम्परेचर क्या करेगा, दिस टेम्परेचर इज हाई इनफ टू कन्वर्ट वाटर इंटू स्टीम। ठीक है, बॉयलर के अंदर टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो क्या करेगा, जो मेरा सिंपल वाटर है, ठीक है, वो क्या करेगा, उसको स्टीम में कन्वर्ट कर देगा। तो ये सिंपल सा एक बॉयलर का डिफिनेशन है, हम लोग देख लो,
हम लोग क्या करते हैं, पोलराइज कोल को हम लोग क्या करते हैं, बॉयलर को देते हैं प्री हीटेड एयर के साथ, ताकि कंप्लीट प्रोसेस कंबसन प्रोसेस हो। ठीक है, बॉयलर क्या करेगा, एक हाई प्रेशर स्टीम जनरेट करता है। ठीक है, और मेन बॉयलर का काम क्या है कि केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करना। इसके साथ ही बॉयलर के अंदर काफ़ी हाई टेम्परेचर जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है, वो क्या करेगा, इनफ होता है आपको वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। इट इज़ द वर्क ऑफ बॉयलर। क्लियर। इसके बाद हम लोग देखते हैं टर्बाइन। बॉयलर के बाद जो अगला स्टेप्स होता है वो होता है आपका किसका, टर्बाइन का होता है। ठीक है, क्योंकि इस हाई प्रेशर स्टीम को हम लोग क्या करते हैं, टर्बाइन की ब्लेड्स पे देते हैं, देन इसके अंदर टर्बाइन में एक रोटेशन चालू हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल से हम लोग देखें टर्बाइन का डिफिनेशन क्या है। द हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर स्टीम इज फेड टू द बॉयलर। ठीक है, द हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर स्टीम इज फेड टू द सॉरी बॉयलर भी नहीं, टर्बाइन। ओके, द हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर स्टीम इज फेड टू द टर्बाइन। हम लोग क्या करते हैं कि एक हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर स्टीम को हम लोग कहाँ पे देते हैं, टर्बाइन पे देते हैं। ठीक है, दिस सुपर हीटेड स्टीम इज स्ट्राइक ऑन द टर्बाइन ब्लेड। ये सुपर हीटेड स्टीम है वो टर्बाइन के ब्लेड पे स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक। ठीक है, टर्बाइन के ब्लेड पे स्ट्राइक करती है। ठीक है, एंड द टर्बाइन स्टार्ट रोटेटिंग। ये जैसे ही हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जो स्टीम है टर्बाइन की ब्लेड पे स्ट्राइक करती है, ठीक है, तो आपका टर्बाइन क्या करने लगती है, रोटेट करने लगती है। उसकी जो ब्लेड्स होती है टर्बाइन की जो, ठीक है, वो क्या, उनमें मूवमेंट चालू हो जाता है। ठीक है, द टर्बाइन इज ए मैकेनिकल डिवाइस दैट इज यूज टू कन्वर्ट द हीट एनर्जी ऑफ स्टीम इंटू रोटेशनल एनर्जी। ठीक है, टर्बाइन का मेन काम क्या है कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ओके, द टर्बाइन इज मैकेनिकल कपल्ड विथ एन अल्टरनेटर वाया शाफ्ट। जो टर्बाइन है वो अल्टरनेटर से कनेक्टेड होता है, कैसे, एक शाफ्ट के द्वारा। क्योंकि अगर मेरा टर्बाइन रोटेट करने लगता है तो उसके शाफ्ट से मेरा अल्टरनेटर कनेक्टेड होता है। ठीक है, टर्बाइन मूव करेगा, उसकी सहायता से आपका अल्टरनेटर भी मूव करेगा। और अल्टरनेटर के बारे में हम लोग जानते हैं, अल्टरनेटर का मेन काम क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देना। ठीक है, एंड इसके बाद होता है व्हेन द स्टीम इज रिलीज फ्रॉम द टर्बाइन। ठीक है, जब ये पूरा प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद जो टर्बाइन से मेरी जो स्टीम रिलीज होती है, निकलती है, ठीक है, देन इसका टेम्परेचर क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, एंड द स्टीम इज पास थ्रू द कंडेंसर, और हम लोग इस स्टीम को कंडेंसर के थ्रू पास कराते हैं। पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो हम लोग देख ले टर्बाइन के बारे में हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, कि द टर्बाइन का मेन काम क्या है, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करना। ठीक है, तो द हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर स्टीम इज फेड टू द टर्बाइन। जो बॉयलर से मेरा हाई प्रेशर स्टीम और हाई टेम्परेचर जो स्टीम निकलता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, टर्बाइन पर देते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि द सुपर हीटर स्टीम इज स्ट्राइक ऑन द टर्बाइन ब्लेड्स। वो सुपर हीटर स्टीम है वो टर्बाइन के ब्लेड पे स्ट्राइक करता है। ठीक है, उसके बाद से क्या होगा कि टर्बाइन के ब्लेड्स जो है वो टर्बाइन में रोटेशन चालू हो जाता है। ठीक है, और टर्बाइन एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है, एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है, ठीक है, कि जो क्या करेगा, मैकेनिकल हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और उस टर्बाइन के शाफ्ट से मेरा अल्टरनेटर कनेक्टेड होता है। ठीक है, वो अल्टरनेटर का मेन काम क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना है। इसके बाद जो टर्बाइन से जो स्टीम रिलीज होती है, उसका प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, और उसको हम लोग क्या करते हैं, कंडेंसिंग के थ्रू पास कराते हैं, उस स्टीम को कंडेंस करने के लिए, फिर से उसको हम लोग रीयूज करते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ हम लोग और देखते हैं, जो आपके सिलेबस में बॉयलर के जो टाइप्स थे, एक जो टाइप था उसका नाम था वाटर ट्यूब बॉयलर। समझने का कोशिश करना दोस्तों, बहुत आसान सा है, एक बार समझ जाओगे लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो मेरे क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि आप समझ जाओ, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, तो देखो वाटर ट्यूब बॉयलर, इसमें क्या होता है, ये भी एक बॉयलर है। बॉयलर का मेन काम क्या है,
बॉयलर का मेन काम क्या है, हाई प्रेशर स्टीम जनरेट करना, ठीक है, हाई प्रेशर स्टीम जनरेट करना और उस स्टीम को टरबाइन के ब्लेड्स पे देना, ठीक है। तो देखो इसमें दिखा है वाटर ट्यूब बॉयलर, बॉयलर तो है ही, और बॉयलर का मेन काम क्या है, स्टीम को जनरेट करना, मतलब ये भी एक तरीके का बॉयलर ही है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, स्टीम को जनरेट करते हैं। और इसमें देखो तीन वर्ड है, वाटर भी है, ट्यूब भी है और बॉयलर भी है। तो देखो हम लोग इसको कैसे तोड़ेंगे और इसको कैसे हम लोग समझेंगे कि ये आपका एक ट्यूब है, सपोज दैट इट इज द ट्यूब, ठीक है, ट्यूब इट इज द ट्यूब, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये आपका क्या है, वाटर, ये आपका क्या, वाटर है, मतलब ट्यूब के अंदर वाटर है। तो ये मेरा क्लियर हो गया, ठीक है, ये तो बॉयलर है एक तरीके का और ट्यूब के अंदर अपना क्या है, वाटर है, ठीक है। और इसके चारों तरफ, इस वाटर इसके चारों तरफ हम लोग क्या रखते हैं, फायर रखते हैं, ठीक है, ये क्या है आपका, फायर, ये क्या है आपका, फायर, ठीक है। और इस ट्यूब के अंदर मेरा क्या है, वाटर है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इस ट्यूब के अंदर तो पानी होगा और ट्यूब के चारों तरफ क्या होगा, फायर होगा, ठीक है, मतलब कोयला जलाते हैं उसका, ठीक है, उसे हम लोग क्या करते हैं, एक टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर डेवलप होगा, मतलब इसके आसपास से क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा, फायर होगा, और इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक स्टीम जनरेट होगा, ठीक है। तो देन इट इज द टाइप ऑफ बॉयलर, बस डिफरेंस यही है कि ट्यूब के अंदर में पानी होगा और ट्यूब के चारों ओर फायर होगा, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होगा, इस फायर की वजह से ये इस ट्यूब के अंदर जो आपका वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मेन बॉयलर का मेन काम यही है कि जो आपका वाटर है उसको स्टीम में कन्वर्ट करना, क्लियर। इसी तरीके से हम लोग दूसरा देखते हैं, दूसरा है आपका फायर ट्यूब बॉयलर, सिंपल सा है, बॉयलर तो है ही, ठीक है, बॉयलर तो है ही, इसमें क्या होगा, इसमें भी एक ट्यूब ले लेते हैं, इसमें भी एक ट्यूब ले लेते हैं, ये आपका क्या हो गया, ट्यूब हो गया, ठीक है, एक नली, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा आपका, इसके अंदर फायर होगा और इसके चारों तरफ क्या होगा, इसके चारों तरफ क्या होगा, वाटर है, ये तो आपको क्या हो गया, वाटर हो गया, इसके अंदर जो है वो फायर हो गया, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट, बॉयलर तो है ही, ठीक है, इस नली के चारों तरफ वाटर होगा, ठीक है, और नली के अंदर क्या होगा, फायर होगा। तो सेम वही काम होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो इसके आसपास का जो वाटर है वो कन्वर्ट हो जाएगा, किस में, कन्वर्टेड इनटू स्टीम, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा है, हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक बॉयलर के दो टाइप हैं, वाटर ट्यूब बॉयलर है, फायर ट्यूब बॉयलर, ठीक है। वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या होगा, ट्यूब के अंदर बॉयलर होगा, उसको चारों तरफ क्या होगा, फायर होगा, ठीक है। और फायर ट्यूब बॉयलर में क्या होगा कि इस ट्यूब के अंदर में फायर होगा, ठीक है, और उसके चारों तरफ वाटर होगा, इस फायर की वजह से ये जो आपका पानी है वो गर्म हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर जो पानी है और इसके चारों तरफ क्या है, फायर है, आग है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो ट्यूब के अंदर का जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इट इज द टाइप ऑफ बॉयलर। आगे हम लोग, मेरा बॉयलर भी हो गया, बॉयलर क्लियर, टर्बाइन क्लियर, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सुपर हीटर, कंडेंसर, इकोनोमाइजर एंड फ्यूड वाटर। एक बार इसको देख लीजिए, एक बार इसको देखिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। आगे देखते हैं हम लोग सुपर हीटर क्या होता है, ठीक है, ठीक है, कंडेंसर क्या होता है और इकोनोमाइजर क्या होता है, ठीक है। तो ऑलरेडी हम लोगों ने सुपर हीटर के बारे में स्टडी कर लिया है कि बॉयलर से जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जो स्टीम जनरेट होता है उसको हम लोग सुपर हीटर पर देते हैं, सुपर इसको क्या करते हैं, उसको सुपर हीट कर देता है, उसके बाद हम लोग उसको टर्बाइन की ब्लेड्स पर देते हैं। इससे ओवरऑल क्या होता है, क्या होता है कि हमारी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है, और सुपर हीटेड होने से उसके अंदर का जो मॉइस्चर कंटेंट है या जो एयर है वो रिमूव होता है, जिससे टर्बाइन के ब्लेड्स पे कोई भी कोरोजन इफेक्ट नहीं होता है। तो हम लोग देखते हैं इसको,
इन्हें स्टीम टरबाइन, ए सुपर हीटेड स्टीम इज यूज्ड। स्टीम टरबाइन के अंदर जो स्टीम पावर प्लांट में जो टरबाइन यूज होता है उसको हम लोग स्टीम टरबाइन बोलते हैं, ठीक है। इन्हें स्टीम टरबाइन, सुपर हीटेड स्टीम इज यूज्ड टू रोटेट द टरबाइन। एक स्टीम टरबाइन के अंदर सुपर हीटेड स्टीम यूज होता है उस टरबाइन को रोटेट कराने के लिए, क्लियर। द वेट एंड सेचुरेटेड स्टीम इज सप्लाइड टू द सुपर हीटर, ठीक है। जो आपका वेट एंड सेचुरेटेड स्टीम होता है वो सुपर हीटर पे सप्लाई किया जाता है, ठीक है। एंड इट इज ए डिवाइस दैट इज कन्वर्ट इट इनटू ड्राई एंड सुपर हीटेड, ठीक है। ये क्या करेगा कि उस स्टीम, जो स्टीम हमारा आया बॉयलर से, वो उसको क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा ड्राई, बिल्कुल सूखा, एंड सुपर हीटेड स्टीम के अंदर, ठीक है। द सुपर हीटेड यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द स्टीम जनरेटेड फ्रॉम द बॉयलर। ये क्या करेगा, ओवरऑल जो उस टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा जो मेरा स्टीम बॉयलर से निकल के आता है। और इसका मेन एडवांटेज क्या है कि दिस विल इंक्रीज द थर्मल एनर्जी ऑफ द स्टीम। ये क्या क्या करेगा कि जो थर्मल एनर्जी है उसको इंक्रीज कर देगा। तो शॉर्ट में समझिए हम लोग, सुपर हीटर का मेन काम क्या है कि बॉयलर से जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जो स्टीम जनरेट होता है उसको हम लोग सुपर हीटर पर देते हैं। सुपर हीटर उसको क्या करेगा, उसको और ज़्यादा हीटेड कर देगा। उससे क्या होगा कि उसके अंदर उसको ड्राई कर देगा बिल्कुल, उसके अंदर का जो भी मॉइस्चर कंटेंट है वो रिड्यूस हो जाएगा और उसका टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ा देगा। इससे क्या होगा कि ओवरऑल जो मेरी थर्मल इफिशियंसी है उस पावर प्लांट की वो मेरी इंक्रीज हो जाती है। तो ये आपका काम है सुपर हीटर का, क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कंडेंसर। कंडेंसर के बारे में भी हम लोगों ने देखा था कि हम लोग सुपर हीटेड स्टीम को टरबाइन की ब्लेड्स पे देते हैं। टरबाइन रोटेट होने के बाद उसके शाफ्ट से आपका अल्टरनेटर कनेक्टेड होता है। देन अल्टरनेटर का मेन काम क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ठीक है। इस जो टरबाइन से जो एग्जॉस्ट स्टीम निकलती है उसको हम लोग कंडेंसर पर दिया जाता है। कंडेंसर क्या करेगा, उसको कंडेंस करेगा, ठीक है। कंडेंस करेगा, उसके प्रेशर को लो करता है और कूलिंग वाटर, मतलब वाटर की मदद से उसको फीड वाटर में कन्वर्ट करने का कोशिश करता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग, व्हेन द स्टीम इज रिलीज फ्रॉम द टरबाइन, जब स्टीम है वो टरबाइन से जब रिलीज होती है, द टेम्परेचर एंड प्रेशर इज डिक्रीजेस। तब उस द किसी भी टरबाइन से जब स्टीम रिलीज होती है देन उसके बाद उसका टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है, धीरे 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 कम होने लगता है, कम होता है, ठीक है। द एग्जॉस्ट स्टीम ऑफ द टर्बाइन रीयूज इन द साइकिल, ठीक है। जो एग्जॉस्ट स्टीम निकलती है, ठीक है, उसको हम लोग फिर से क्या करते हैं, रीयूज करते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो टर्बाइन की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। हम लोग रीयूज करते हैं क्योंकि हम लोग मेन काम क्या है, बॉयलर में हम लोग कोयले को जलाते हैं, ठीक है। उस कोयले से हम लोग वाटर को हीट करते हैं, ठीक है, और हीट करने के बाद उसको स्टीम में जनरेट करते हैं। ऑलरेडी जो मेरा वाटर है वो हीटेड है, ऑलरेडी जो मेरा वाटर हीटेड है जिसको फ्यूल वाटर बोलते हैं, उसको स्टीम में कन्वर्ट होने में, ठीक है, काफ़ी कम फ्यूल की रिक्वायरमेंट होगी। उससे क्या होगा कि ओवरऑल जो मेरा फ्यूल है, जो कोल है, उसका सेविंग होगा, उसको फ्यूचर में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से क्या होगा कि जो मेरी इफिशियंसी है पावर प्लांट की वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग इकोनोमाइजर देखते हैं, नाम ही है इकोनोमाइजर, जो पूरे सिस्टम को इकोनॉमिकल करेगा। तो इसका डिफिनेशन देख ले इकोनोमाइजर का, इसके बारे में भी हम लोगों ने देख लिया था कि जो आपका कंडेंसर से जो भी फीड वाटर है, ठीक है, वो फीड वाटर पंप पंप के द्वारा इकोनोमाइजर के थ्रू ही हम लोग बॉयलर को देते हैं, ठीक है। तो इकोनोमाइजर का डिफिनेशन देखे, द इकोनोमाइजर इज ए हीट एक्सचेंजर डिवाइस। ये क्या कर, इकोनोमाइजर क्या है, एक हीट एक्सचेंजर डिवाइस है, मतलब हीट को एक्सचेंज करने वाला एक डिवाइस है, ठीक है। दैट इज यूज टू रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन, ठीक है। ये क्या करेगा, जो मेरा एनर्जी का कंजम्पशन है उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि जो मेरा इकोनोमाइजर है वो एक हीट एक्सचेंजर डिवाइस है, वो क्या करेगा कि जो मेरा एनर्जी कंजम्पशन है उसको कम करेगा, ठीक है, इन द बॉयलर, बॉयलर के अंदर।
ठीक है, एनर्जी कंजप्शन को क्या करेगा, कम करेगा बॉयलर के अंदर। मतलब एनर्जी कंजप्शन का मतलब कोयला जलता है, कोयले से तो बॉयलर को एनर्जी मिलती है, देन उसके बाद आपको वाटर हीट होता है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है। तो इकोनोमाइजर क्या है कि हीट एक्सचेंजर डिवाइस है जो बॉयलर के अंदर एनर्जी कंजप्शन को कम करेगा। ओके, आगे देखो, फ्ल्यू गैसेस एग्जॉस्टेड इनटू द एटमोस्फियर। ठीक है, पहले ही हम लोग देखा था कि बॉयलर के अंदर कंप्लीट कम्बसन होने के बाद कुछ फ्ल्यू गैसेस निकलते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं एटमोस्फियर में डिस्चार्ज कर देते हैं, एटमोस्फियर में डिस्चार्ज कर देते हैं, क्योंकि वो हार्मफुल गैसेस होती हैं और हमारे किसी भी काम की नहीं होती। तो देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दिस गैसेस हैव ए हाई टेम्परेचर। जो फ्ल्यू गैसेस होती हैं, ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा हीटेड होती है, उनके अंदर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यही तो अपने इकोनोमाइजर का काम है, जो फ्ल्यू गैसेज है, जो वेस्ट गैसेज है, ठीक है, तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। सो द इकोनोमाइजर यूजेस द हीट ऑफ फ्ल्यू गैसेस टू हीट द वाटर। तो इकोनोमाइजर क्या करेगा, जो फ्ल्यू गैसेस के अंदर जो हाई टेम्परेचर है, ठीक है, पहले बताया कि ये हीट एक्सचेंजर डिवाइस है, उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा और उसका यूज करेगा कहाँ पे, पानी को गर्म करने में, वाटर को गर्म करने में। तो कहीं ना कहीं मेरा सिस्टम इकोनॉमिकल होगा, मीन्स ये क्या करेगा कि इस तरह के हीट को ऑब्जॉर्व करके अगर वाटर को हीट करेगा, तो जो मेरा वाटर को हीट करने में जो कोयला हम लोग जला रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं सेविंग होगा। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत फायदेमंद है और हमारे प्लांट की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, और कहीं ना कहीं मेरा ईंधन है जो कोल है उसका क्या होगा, बचत होगा। ठीक है, द वाटर, आगे देखते हैं, द वाटर रिलीज फ्रॉम द कंडेंसर इज अगेन यूज इन द साइकिल। जो कंडेंसर के द्वारा जो वाटर रिलीज होता है उस साइकिल के द्वारा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फीड वाटर पंप दिस वाटर इज ट्रांसफर टू द इकोनोमाइजर। ये क्या होता है कि कंडेंसर में, अब मैंने पहले देख लिया था कि द वाटर रिलीज फ्रॉम द कंडेंसर इज अगेन यूज इन द साइकिल। जो कंडेंसर में के बाद जो वाटर रिलीज होता है वो अगेन साइकिल में यूज होता है, किसके द्वारा, फीड वाटर पंप के द्वारा, विद द हेल्प ऑफ एक इकोनोमाइजर के द्वारा। ठीक है, तो ओवरऑल जो इकोनोमाइजर है वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं हमारे जो इफिशियंसी है उसको इंक्रीज कर देगा। कैसे इंक्रीज कैसे करेगा, ये क्या करेगा, फिर से आप समझने का कोशिश कीजिए, इकोनोमाइजर क्या है, एक हीट एक्सचेंजर डिवाइस है। ये क्या करेगा कि बॉयलर के अंदर जो एनर्जी का कंजप्शन है उसको लो कर देगा। ठीक है, जो फ्ल्यू गैसेस कंबसन प्रोसेस के दौरान निकलती है तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, तो इकोनोमाइजर क्या करेगा, उसके हीट को एक्सचेंज करके, हीट को लेके और वाटर को मेरा गर्म करने का काम करेगा, उसको हीटेड करने का काम करेगा। इससे क्या होगा, जो हम लोग कोयला यूज कर रहे हैं वाटर को हीट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं मेरा कोल का सेविंग, ऑलरेडी हम फ्ल्यू गैसेस का टेम्परेचर लेके उस वाटर को हीट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या होगा कि जो मेरा कोयला यूज कर रहे हैं उस वाटर को हीट करने के लिए, तो उसमें मेरा कहीं ना कहीं सेविंग होगा। ठीक है, तो इससे ओवरऑल जो प्लांट की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो इकोनोमाइजर का मेन काम यही है कि फ्ल्यू गैसेस से हीट को लेके जो आपका वाटर है उसको गर्म करना। ठीक है, तो जिससे ओवरऑल जो मेरे प्लांट की एफिशिएंसी वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और कहीं ना कहीं मेरा जो इन फ्यूचर जो कोल है, ठीक है, उसकी सेविंग होती है, जिसको हम लोग इन फ्यूचर के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये तो आपका तीन टॉपिक हो गए यहाँ पे, सुपर हीटर, कंडेंसर, इकोनोमाइजर। मैं आपको जीरो से इसलिए लेके चल रहा हूँ, ऑलरेडी हम लोगों ने सारी चीज़ों को डिस्कस कर दिया है, बट मेरा एक हमेशा से ये रहता है कि अगर हम लोगों को कंप्लीट अपने पास डिफिनेशन भी होना चाहिए, अगर कहीं भी एग्जाम्स वगैरह में आते हैं तो कंप्लीट नॉलेज के साथ साथ इसका कंप्लीट डिटेल भी होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे को नहीं लगता है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, इन्हीं चीज़ों को हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से आपका फीड वाटर पंप है, अल्टरनेटर है, चिमनी है एंड कूलिंग टावर है, इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं एक बार, इसको देखिए आप लोग, सुपर हीटर, कंडेंसर एंड इकोनोमाइजर। आगे जो मेरा रिमेनिंग पॉइंट बचा हुआ उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखते हैं फीड वाटर पंप। ठीक है, फीड वाटर पंप क्या होता है, सिंपल सा डिफिनेशन है कि ये एक ऐसा फीड वाटर पंप, मैंने ये एक पंप है जो आपको वाटर को बॉयलर तक ले जाने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखे कि ए फीड वाटर पंप इज यूज टू, ए फीड वाटर पंप इज यूज टू सप्लाई वाटर इनटू द बॉयलर। इसका मेन काम क्या है, वाटर को बॉयलर तक सप्लाई करना। ठीक है,
वाटर मे बी फ्रॉम द कंडेंसर और फ्रेश वाटर, ठीक है, मतलब कि कंडेंसर से जो वाटर जाता है या जो फ्रेश वाटर है उनको लेके जाना कहाँ तक, बॉयलर तक, ठीक है। तो ये काम है आपका फीड वाटर पंप का, ठीक है। दिस पंप इज यूज टू प्रेशर द वाटर, ये क्या करेगा, प्रेशर जनरेट करता है वाटर को फ्लो होके बॉयलर तक जाने में। सिंपल सा हम लोग देखें कि जब तक हम लोग, जैसे हम लोग घर में पानी की मोटर चलाते हैं, और अगर पानी की मोटर इसलिए चलाते हैं कि वो प्रेशर जनरेट करता है जिससे वाटर जो है ऊपर फ्लोर तक पहुंच पाता है। अगर अगर ऐसा नहीं करते हैं, अगर प्रेशर जनरेट नहीं होता है, तो जो आपका पानी है वो ऊपर रूफ पे या छत पे वो पानी पहुंच नहीं पाता है। तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ मोटर, पानी की मोटर से प्रेशर जनरेट करते हैं, और उस प्रेशर की वजह से जो आपका पानी है नीचे से ऊपर की तरफ पहुंचता है। उसी तरीके से एक सिंपल सा डिफिनेशन है फीड वाटर पंप का, एक सिंपल सा काम है वाटर को बॉयलर तक ले जाना, भले वो फ्रेश वाटर हो या जो कंडेंसर से जो वाटर आता है, ठीक है, उसको बॉयलर तक ले जाना। ये क्या करता करेगा, एक प्रेशर डेवलप करेगा वाटर को बॉयलर तक ले जाने के लिए, क्लियर। अगला है अल्टरनेटर, अल्टरनेटर के बारे में सबको पता है। अल्टरनेटर का मेन काम क्या है, अल्टरनेटर का मेन काम क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ओके, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। जो आपका अल्टरनेटर है वो टरबाइन के शाफ्ट से कनेक्टेड होता है। जब टरबाइन में मूवमेंट हो जाए, जब होता है, जब टरबाइन में रोटेशन होता है, जैसे जब टरबाइन रोटेट करेगी देन उसी हिसाब से मेरा, उसके शाफ्ट से जो मेरा अल्टरनेटर कनेक्टेड है वो भी रोटेट करेगा, ठीक है, देन आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। तो सिंपल सा डिफिनेशन है कि द अल्टरनेटर एंड द टर्बाइन आर कनेक्टेड ऑन द सेम शाफ्ट, ठीक है। जो आपका अल्टरनेटर एंड जो टर्बाइन है सेम शाफ्ट से कनेक्टेड होता है, ठीक है। द टर्बाइन रोटेट विद द फ्लो ऑफ स्टीम, जब हम टर्बाइन के ब्लेड पे स्टीम देते हैं तो टर्बाइन आपका क्या करता है, टर्बाइन में एक रोटेशन चालू हो जाता है, एंड द टर्बाइन रोटेट्स, ठीक है, और टर्बाइन के अंदर रोटेशन चालू हो जाता है। द रोटर ऑफ द अल्टरनेटर रोटेट एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो रोटर जो रोटर है अल्टरनेटर का जो शाफ्ट से कनेक्टेड होता है वो रोटेट करने लगता है, देन मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। तो सिंपल सा अल्टरनेटर का डिफिनेशन है, अल्टरनेटर में एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये टर्बाइन के शाफ्ट से कनेक्टेड होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं चिमनी, ठीक है, चिमनी। अगर चिमनी के लिए सिंपल से एक बात करें कि आजकल हम लोग घर बनाते हैं तो घर में हम लोग मॉड्यूलर किचन बनाते हैं, और मॉड्यूलर किचन में क्या होता है, हम लोग चिमनी लगाते हैं, ठीक है। हम लोग चिमनी इसलिए लगाते हैं कि खाना बनाते वक्त किचन में जो भी धुआं वगैरह होता है, जो स्मोक होता है, तो उस चिमनी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उसको एग्जॉस्ट कर देते हैं बाहर की तरफ में, बाहर के एटमोसफियर में, जिससे क्या होता है कि हमारे घर में जो धुआं है, जो स्मोक है, वो ना फैले, और पूरा जो मेरा घर है वो नीट एंड क्लीन रहे, किसी भी तरीके का स्मोक का इफेक्ट ना हो, इसलिए हम लोग चिमनी का यूज करते हैं। तो सेम उसी तरीके से पावर प्लांट में भी हम लोग चिमनी का यूज करते हैं कि जो भी फ्ल्यू गैसेस है, जो भी उस तरीके की जो गैसेस है जो कंबसन प्रोसेस के दौरान जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है, उसको हम लोग क्या करते हैं कि विद द हेल्प ऑफ चिमनी की सहायता से हम लोग उसको बाहर के एटमोसफियर में ले जाके डिस्चार्ज कर देते हैं, ठीक है, जिससे ये हो कि हमारा जो आसपास का जो एरिया है वो पोल्यूटेड ना हो, किसी भी तरीके का पोल्यूशन ना हो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग चिमनी बनाते हैं जिसकी एक हाइट होती है, एक हाइट तक ले जाके हम लोग उसको हाइट उसको हम लोग डिस्चार्ज करते हैं, ठीक है, जिस आसपास का जो एरिया है पोल्यूटेड ना हो। तो सिंपल सा देखते हैं व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ चिमनी, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, कोल इज यूज्ड एज ए फ्यूल, लगभग सारे प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट में हम लोग कोयला फ्यूल की तरह हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ड्यूरिंग द कम्बशन ऑफ कोल, जब आपका कोल का कम्बसन होता है द फ्ल्यू गैसेस आर जनरेट, में पहले ही बोला जब कंप्लीट कम्बसन हो, जब कोयला जलता है तो बहुत सारा स्मोक निकलेगा, फ्ल्यू गैसेस निकलती हैं, ठीक है, इन द बॉयलर, बॉयलर के अंदर, ओके। द चिमनी प्रोवाइड ए पाथ टू द फ्ल्यू गैसेस एंड एग्जॉस्ट टू द एटमोसफियर, ठीक है। वो चिमनी क्या करेगी, उसको एक रास्ता देगी जो फ्ल्यू गैसेस या जो भी स्मोक है, ठीक है, कि आप बाहर की तरफ, बाहर की तरफ उसको डिस्चार्ज होने के लिए। अगर क्या होगा कि अगर हम लोग चिमनी का यूज नहीं करेंगे तो पूरे प्लांट में क्या होगा कि जो फ्ल्यू गैसेस है वो फैल जाएंगी,
ठीक है, तो उसे कहीं ना कहीं क्या होगा, जो उसमें काम करने वाले लोग हैं उनके स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा, जो प्लांट की एक्टिविटी वो शट डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, द चिमनी प्रोवाइड ए पाथ टू द फ्ल्यू गैसेस एंड एग्जॉस्ट टू द एटमोसफियर। चिमनी क्या करेगी, उस फ्ल्यू गैसेज को एक रास्ता देती है बाहर ले जाके एटमोसफियर में डिस्चार्ज करने के लिए। देखे लिखा हुआ है, द हॉट एयर इज लाइट इन वेट। जो आपका हॉट एयर होता है वो काफी हल्का होता है एंड गोज अप, ठीक है, और ऊपर की तरफ उठने लगता है। ठीक है, जो आपका हॉट गैसेस है वो लाइट वेट होता है, हल्का होता है और ऊपर की तरफ उठने लगता है। ठीक है, और उसको हम लोग चिमनी की सहायता से उनको बाहर जाके डिस्चार्ज कर देते हैं। द हाइट ऑफ चिमनी इज हाई। जो चिमनी की हाइट है बहुत ज्यादा हम हाई रखते हैं, इसलिए हाई रखते हैं, अगर उसको ज्यादा हाई नहीं रखेंगे तो जो फ्ल्यू गैसेस हम लोग रिलीज करेंगे, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो मेरे आसपास का जो एयर है वो पोल्यूटेड हो जाएगा। बट एक लिमिटेड हाइट के बाद अगर हम लोग उसको रिलीज करते हैं तो उसका असर हमारे आसपास के एयर पे नहीं होगा और हमारे आसपास का एयर है वो पोल्यूटेड नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जिसका नाम है ESP, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिसिपेटर। ये भी हमारे पावर प्लांट के अंदर यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिसिपेटर क्या है। इलेक्ट्रॉनिक प्रिसिपेटर वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है वो किस पे बेस्ड है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पे आपका बेस्ड है। और इसका मेन काम क्या है कि कलेक्शन ऑफ एसेस फ्रॉम द फ्ल्यू गैसेस। ठीक है, अब देखिए इसका इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है इस प्रिसिपेटर का। ठीक है, इसका वर्किंग है इलेक्ट्रो स्टैटिक फील्ड पे वर्क करता है, और इसका मेन काम क्या है, फ्लू गैसेस से एस को कलेक्ट करना। मैंने अभी क्या बोला कि चिमनी का मेन काम क्या है कि जो फ्लू गैसेस है उनको एक रास्ता देना और उस फ्लू गैसेस को बाहर एटमोसफियर में डिस्चार्ज कर देना। ठीक है, बट उस फ्ल्यू गैसेस के साथ बहुत सारे एसेस के भी पार्टिकल होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग उन फ्ल्यू गैसेस के साथ में जो एसेस के पार्टिकल होते हैं अगर उनको हम लोग अलग नहीं करें तो उसे क्या होगा कि फ्ल्यू गैसेस के साथ में वो एस भी बाहर जाके डिस्चार्ज होगा। तो उससे क्या होगा कि धीरे 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 जो एस है वो कहीं ना कहीं जो राख है वो नीचे की तरफ आएगी अपने ग्राउंड की तरफ, इससे पूरा का पूरा एरिया आपका क्या हो जाएगा, पोल्यूटेड हो जाएगा। आप व्हाइट कपड़े पहन के निकलोगे, आपका पूरा का पूरा जो कपड़ा है वो ब्लैक हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं जो आपका आसपास का जो एरिया है वो पोल्यूटेड हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी मदद से जो फ्ल्यू गैसेस के साथ जो भी एसेज होते हैं हम लोग उसको क्या करते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, उसको अलग कर लेते हैं, देन इसके बाद फ्ल्यू गैसेस को डिस्चार्ज करते हैं और उस एस को लेके हम लोग क्या करते हैं, उसको डिस्पोज कर देते हैं। तो ये है मेरा इलेक्ट्रॉनिक प्रिसिपेटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका थर्मल पावर प्लांट कंप्लीट हो गया पूरे डिटेल के साथ। अब मेरे को नहीं लगता है कि हम लोगों ने एक भी पॉइंट यहाँ पर मिस किया है और बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो अगर इस तरीके का आपके एग्जाम्स में आता है, फर्दर किसी एग्जाम में बैठते हो, तो अगर अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको कंप्लीट बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए और आगे जो अगला जो पावर प्लांट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट। थैंक यू।